डॉक्टर और अस्पताल, ये दो नाम सुनते ही लगता है कि हाँ अब सब बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन अब शायद ही कोई दिन ऐसा बसता हो जब हमें अस्पताल की लापरवाही के किस्से ना सुनने को मिले। देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर अस्पताल में फैली लापरवाही को दूर करने को तैयार नहीं है। सरकारी अस्पतालों के इंतजाम भगवान भरोसे हैं, जिसका फायदा निजी अस्पताल उठाने से कभी भी नहीं चूकते। लेकिन जब निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान कभी डॉक्टरों तो कभी वहां के प्रबंधन की लापरवाही से मरीजों की मौत हो जाए तब क्या। लेकिन ये मौतें अब चौंकाती भी नहीं है, बल्कि सवाल उठाती हैं कि जिंदगी की जंग जीतने आने वाले लोगों को मौत कब तक बांटी जाती रहेगी। देश का कोई राज्य या कोई शहर नहीं बचा जो ये कह सके कि उसके यहाँ का सरकारी या निजी अस्पताल मरीजों के लिए वरदान है और उसकी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं। और ऐसा हम नहीं, हाल ही में आए राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले से ऐसा हम कह रहे हैं। दरअसल राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महिला के ऑपरेशन में हुई लापरवाही से उसकी मौत होने पर गेटवेल अस्पताल जो अजमेर में स्थित है और मित्तल हॉस्पिटल अजमेर पर कुल 96,91,000 रुपये का हर्जाना लगाया। आयोग ने गेटवेल अस्पताल को निर्देश दिया है कि वे परिवादी को 5,00,000 परिवाद दायर करने की तारीख 11 मई 2012 से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 महीने में दे, जबकि मित्तल अस्पताल को क्षतिपूर्ति के 91,91,000 रुपए अदा करने के लिए कहा गया है और बाकी के 50,00,000 रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इस पूरी राशि पर 9% ब्याज भी मित्तल अस्पताल को देना होगा। यह हर्जाना आयोग के न्यायिक सदस्य कमल कुमार बागड़ी और सदस्य मीना मेहता की बेंच ने राजेंद्र कुमावत और अन्य के परिवार पर दिया है। आपको बता दें कि मामले के अनुसार परिवादी ने अपनी पत्नी यशोदा देवी को पेट में दर्द की शिकायत पर गेटवेल अस्पताल में चेकअप के लिए भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर्स ने यशोदा के टेस्ट करने के बाद उसकी पित्त की थैली में पथरी होना बताया था, जिसके बाद अस्पताल ने यशोदा का ऑपरेशन भी कर दिया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज का बीपी कम होने लगा और सांस लेने में भी परेशानी आने लगी थी। परिवादी ने जब ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखा तो उसकी पत्नी के मुंह से उस वक्त झाग आ रहे थे। मरीज की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने मित्तल अस्पताल से डॉक्टरों को बुलाया और बिना उनकी सहमति लिए यशोदा को मित्तल अस्पताल में रेफर कर दिया था, जहां 2 दिन तक इलाज के नाम पर उनसे 90,000 रुपये वसूले गए थे। इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी से मिलने भी नहीं दिया गया था। तभी मित्तल अस्पताल में डॉक्टर ने उनसे हार्ट में मशीन लगाने और बाहर से डॉक्टर बुलाने के नाम पर 5,00,000 रुपए की राशि भी मांगी थी। लेकिन परिवादी ने जब कहा कि उसकी पत्नी के हार्ट की बीमारी ही नहीं थी तो कौन सी मशीन लगाई जाएगी। इस सवाल के बाद डॉक्टर ने उसका कोई उचित जवाब नहीं दिया और बाद में डॉक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। परिजनों ने जब मृत्यु का कारण पूछा और इलाज के कागज मांगे तो मित्तल अस्पताल प्रशासन की ओर से परिजन को साफ तौर पर मना कर दिया गया, जिस पर आयोग ने सख्ती दिखाकर दोनों अस्पतालों को इस लापरवाही के लिए दोषी माना है।